आगरा में अंबेडकर की मूर्ति को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर विवाद हो गया है। यूपी के संस्कृति निदेशालय ने आगरा जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो नगर निगम परिसर में लगी अंबेडकर की दो मूर्तियों में से एक की जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाए। ये आदेश स्थानीय बीजेपी विधायक जगन प्रसाद गर्ग की चिट्ठी के बाद आया है। विधायक ने सीएम योगी को 5 बार चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाई जाए। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस मूर्ति को हटाकर दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाने के पीछे वजह? देखिए, बीजेपी के विधायक हैं जगन गर्ग, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि नगर निगम में दो मूर्तियां हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जिसमें से एक मूर्ति क्षतिग्रस्त हो चुकी है और उनकी जगह दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाई जाए, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय आगरा शहर से ही ताल्लुकात रखते थे और मथुरा में उनका जन्म हुआ था। इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति वहां पर लगाई जाए। और जगन गर्ग की चिट्ठी पर संस्कृति मंत्रालय जो उत्तर प्रदेश का है उसने आख्या मांगी है जिला प्रशासन से कि शांति व्यवस्था को लेकर किस तरह कर रहे हैं, जब अगर मूर्ति लगाई जाती है तो पूरी रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस पर फैसला ले सकती है। हालांकि जिस तरह से आख्या मांगी गई उसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार वहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति लगाने की तैयारी में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अब इस मामले पर विवाद होना भी तय है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी पर निशाना जरूर साधेंगी।